आप लोग सोच रहे होंगे मैं इतना सरप्राइजिंग रिएक्शन क्यों दे रहा हूँ। अरे भाई बात ही कुछ ऐसी है, मैं आ गया हूँ आज एक रेस्टोरेंट में और इनकी स्मार्टनेस से मैं हो गया हूँ इम्प्रेस। भाई इन्होंने अपने डाइनिंग रेस्टोरेंट को पूरी तरीके से डिजिटल बना दिया है। आप सिंपली यहाँ बैठे बैठे अपने ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि कैसे, तो मेरा जवाब है ऐसे। ये है QR कोड जिसे हम अपने मोबाइल फ़ोन के कैमरे की हेल्प से रेस्टोरेंट के फूड मेन्यू में जाकर ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं। आपको किसी भी वेटर या कोई भी ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है और ये ऑर्डर सीधा POS सिस्टम पर चला जाएगा जहां पर इस ऑर्डर की KOT को निकाला जा सकता है। POS सिस्टम पर यह ऑर्डर कैसे प्रोसेस होगा यह मैं थोड़ी देर में दिखाता हूँ। फिलहाल मैं यहाँ पर आपको QR कोड की मदद से ऑर्डर को प्लेस करके दिखाता हूँ। ऑर्डर प्लेस करने के लिए हमें अपने मोबाइल फ़ोन से इस QR कोड को स्कैन करना होगा। मैं सिंपली अपने कैमरा ऐप को खोल लेता हूँ। सिंपली मैं इसे स्कैन करूँगा और ये यहाँ पर लिंक आ चुकी है और ये देख सकते हैं हमारा एक वेब पेज ओपन हो गया है। यहाँ से हम अपने ऑर्डर को प्लेस करेंगे। उसके लिए मैं ऑर्डर नाउ के बटन पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ कैटेगरीज दी गई हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे उनके कुछ आइटम्स दिए हैं। तो मुझे 2 लेयर सैंडविचेस में से एक वेज सैंडविच चाहिए, एक पंजाबी कॉर्न चाहिए। उसी तरीके से मुझे एक कैटेगरी बर्गर सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं बर्गर पर मुझे आलू टिक्की बर्गर चाहिए। उसके बाद मैं सीधे कार्ट ऑप्शन पर चले जाऊँगा। यहाँ आप देख सकते हैं तीनों मेरे आइटम्स यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। मैं सिंपली यहाँ पर चेकआउट के बटन पर क्लिक करूँगा। अगेन यहाँ पर मैं कन्फर्म माई ऑर्डर पर क्लिक करूँगा। कन्फर्मेशन का पॉपअप आया, मैं सिंपली यहाँ पर यस कर दूंगा। यहाँ पे कुछ कमेंट करने के लिए बोला है, यहाँ पे आपके ऑर्डर को कैसा स्पाइसी चाहिए या कुछ चाहिए, तो यहाँ पे आप कमेंट करके बता सकते हैं। मुझे अभी यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं चाहिए तो मैं इसे सिंपली सेव कर देता हूँ। यहाँ देख सकते हैं एक पॉपअप आया सक्सेस का, इसका मतलब है यहाँ पर हमारा ऑर्डर प्लेस हो चुका है। मैं इसे ओके कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी ऑर्डर ID आ गई है, डेट और टाइम यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे स्टेटस आप देख सकते हैं, यहाँ पे प्लेस लिखा आ रहा है। अब चलिए देखते हैं POS सिस्टम पे ये ऑर्डर कैसे प्रोसेस होगा। देखिए जैसे कि सर ने बताया कि टेबल QR कैसे वर्क करता है हमारे ERFourU में, आइए हम जानते हैं इसको कि हमारे ERFourU में कैसे वर्क करता है। ये बहुत इजी प्रोसेस है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देखिए जैसे ही हमारे पास कोई ऑर्डर आता है, सबसे पहले हमारे पास यहाँ नोटिफिकेशन डिस्प्ले होती है। हम नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करके हमें ऑर्डर व्यू हो जाएगा। हम ऑर्डर व्यू करते हैं और ऑर्डर का जो भी है हम इसका QOT जनरेट कर लेते हैं। देखिए ये हमारी QOT जनरेट हो गई है, ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर आ गया है। अब सर ने अगर सर चाहें तो अगेन एक QOT जनरेट कर सकते हैं, ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। जैसे सर ने एक दोबारा से एक ऑर्डर जनरेट किया है, प्लेस किया है, हमारे पास स्क्रीन पे अगेन इसकी नोटिफिकेशन डिस्प्ले हो रही है। सेम प्रोसेस हम दोहराएंगे, जो भी है आइटम है उसको व्यू करते हैं। व्यू करने के बाद हम उसका QOT जनरेट करते हैं। ये हमारा सेकेंड ऑर्डर जो है वो भी प्रोसेस हो गया है, ठीक है। अब आइए जानते हैं कि अब इसका बिल कैसे जनरेट होगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर स्क्रीन पे आप देख रहे हैं टेबल नंबर 10 है, ठीक है, जिसका कलर चेंज हो गया है। देखिए पहले ग्रीन था, अब ये ग्रीन से पर्पल हो गया है, पर्पल इन द सेंस की रनिंग है, ठीक है। तो आइए जानते हैं इसका बिल कैसे जनरेट करते हैं। बहुत सिंपल प्रोसेस है, आप व्यू बटन I बटन पर क्लिक करेंगे, ठीक है, आपके जो भी आइटम्स हैं वो सारे क्लब होकर आपको डिस्प्ले हो जाएंगे, जितने भी QOTs आपने जनरेट की थी। यहाँ पर नीचे ऑप्शन दिया हुआ है सेव एज प्रिंट का, ठीक है, सिंपली हम सेव एज प्रिंट पर क्लिक करते हैं। देखिए जैसे हमने बिल जनरेट किया, हमारा कुछ इस तरह का बिल प्रिंट हो गया है, ठीक है। आप देखेंगे कि आपके पास यहाँ पर बिल जनरेट हो गया है। यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर टॉप पे मेरे रेस्टोरेंट का लोगो आ रहा है, मेरे रेस्टोरेंट का नेम प्लस मेरा बिल नंबर, मेरा डेट एंड टाइम प्लस कस्टमर का नाम, नंबर एंड एड्रेस, तीनों चीज़ें यहाँ पर फिल हो गई है, ठीक है। कस्टमर ने जो ऑर्डर किए थे वो आइटम्स डिस्प्ले हो रहे हैं, नीचे उनका टोटल आ रहा है, साथ ही साथ एक QR भी इस पर प्रिंट हो गया है, ठीक है। बस यही इतनी सी प्रोसेस है, इतना इजी है इसको ऑपरेट करना, ठीक है। मेरा विद इन अ सेकेंड्स मेरी बिलिंग कंप्लीट हो जाती है। तो देखिए ये रही हमारी हार्ड कॉपी, सेम तरह का एक सॉफ्ट कॉपी सर के व्हाट्सएप पे भी जा चुकी है, ठीक है। सर अपना फ़ोन बताएंगे सर, ठीक है। तो ये देखिए सर, यहाँ पर आपके पास एक मैसेज है, मैसेज में आपके पास थैंक यू फॉर ऑर्डरिंग का एक टेक्स्ट मैसेज है सर, ठीक है, जो व्हाट्सएप पे गया हुआ है। साथ ही साथ में एक लिंक है, जिस लिंक पे आप क्लिक करके अपना आपका जो बिल है वो आप मोबाइल पे ही चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी प्रोसेस पूरी, ठीक है। ये बहुत इजी प्रोसेस है, बहुत इजी सॉफ्टवेयर है ERFourU का। मेरा बहुत टाइम बच जाता है इस सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करने से, ठीक है, कोई भी आसानी से इसको ऑपरेट कर सकता है। मुझे इसको ऑपरेट करने में ज़्यादा समय नहीं लगा, मुझे ज़्यादा ट्रेनिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, बहुत इजी सॉफ्टवेयर था, ठीक है। मैं विद इन अ सेकंड सीख गया इस सॉफ्टवेयर को और मेरा बहुत
समय बच रहा है इस सॉफ्टवेयर को लगाने से। थैंक यू।